हम दुनिया को समझाने चले हैं, हम लैपटॉप लेके दुनिया को समझाने निकले हैं, हम लैपटॉप लेकर, हम कॉपी पेन लेके दुनिया को समझाने निकले हैं कि नहीं यहाँ से जिंदगी बदलेगी। लेकिन कई बार खुद के मन में ही कई बार विचार आ जाते, नहीं आया, नहीं बहुत हो गया, अब नहीं होगा, अब नहीं हो पाया। तो यार जो आदमी खुद से नहीं जीत पा रहा है, जो खुद को नहीं समझा पा रहा है, क्या वो किसी और को समझाएगा? अभी मजे की बात बताऊं मैं क्या हुआ ना, हमारे हिमाचल में इलेक्शन का दौर चल, तो अभी बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक आदमी को टिकट दे दिया, वो कुल्लू रियासत का राजा है, राजा जो राजा है ना, किंग, वो है, उसका बहुत बड़ा रुतबा है, उसको टिकट दे दिया बीजेपी। बस दो दिन बाद नामांकन भरने जाना था, और पता चला कि उसका बेटा, उस राजा का बेटा किसी और पार्टी से, आम आदमी पार्टी से नॉमिनेशन फाइल कर रहा है दूसरी सीट से, मतलब वहां से नहीं दूसरी जगह से। अब बीजेपी ने को जब ये बात पता चली यार, उन्होंने उससे बात किया कि भाई देखो राजा साहब, आपका बेटा इलेक्शन लड़ रहा है दूसरे पार्टी से, तो ये मार्केट में अच्छा मैसेज नहीं जा रहा, क्या आप एक काम करो समझा दो। उसने समझाया नहीं समझाया कोई पता नहीं, लेकिन उसका बेटा नहीं गया, तो बीजेपी ने उसका जो टिकट उसको दिया था वो वापस ले लिया। सोचने वाली बात है, कैसे क्यों लिया होगा ना सलग, जिसका घर में कंट्री, जो मैं बच्चे को नहीं समझा सकती, जो अपने माँ बाप को नहीं समझा सकती, जो माँ बाप को नहीं समझा सकता, क्या वो करोड़पति बन सकता है? क्या नहीं बन सकता मेरे दोस्त? बार बार बहाना लेके बैठे, पापा ने मना किया इवेंट में जाने, पापा मना कर, अरे पापा को पता है कि बिजनेस क्या है, आप अपने बाप को नहीं समझा पा रहे हैं, पति को नहीं समझा पा रहे, पति रोक रहा है कि नहीं ट्रेनिंग में नहीं जाना, पति सोचने वाली बात, क्या वो बिजनेस में कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसलिए एक चीज याद रखिए, एक बार शशिकांत शर्मा की बहुत बढ़िया स्पीच मैंने सुनी थी कि हम लोग समाज से बात नहीं करते हैं, पहले हमको परिवार से लड़ना पड़ता है, समझ आ रहा नहीं आ रहा? परिवार से लड़ना पड़ता है। जिसका बच्चा बोला थोड़ा घुमा लो ना बाहर, थोड़ा बाहर टहलने का फ्रेश हो जाए। हम लोग जो टारगेट देते हैं ना, ये जो जैसलमेर है, गोवा है, कंपनी देती है, हमारे को शौक लगे अपने पैसे खर्चवाने का है? हम भी चाहते हैं कि हमारा परिवार वाले के ना दिमाग थोड़ा सा काम करके ना थक जाता है, हम चाहते हैं थोड़ा रिफ्रेशमेंट मिले, हमें थोड़ा घूम फिर के आएंगे, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, समझ आ रहा है? तो इसलिए बच्चा रो रहा है, हम भी रो रहे होते, इसलिए हमें थोड़ा जैसलमेर टूर मार देते हैं, गोवा का टूर मार देते हैं, तो मजा आ जाता है, आता है ना? तो बस थोड़ा सा बच्चा रो रहा है, तो उसको घुमा लाओ, देखो फिर किस हिसाब से बैठेगा, मजे देके बैठेगा। तो वही चीज जो शशिकांत शर्मा ने कभी बताई थी अपनी ट्रेनिंग में, स्टेज से मैं सुन रहा था, स्टेज में ये थी, मैं इनको सुन रहा था, समझ आ रहा है? ऐसा नहीं कि नीचे से बोल रहे थे। तो जब मैंने बात की, बहुत अच्छी बात की कि भैया हम लोग समाज से बात लड़ते हैं, पहले परिवार से लड़ना पड़ता है, ठीक है? हमारी लड़ाई जो है दो तरह की लड़ाई होती है, परिवार वाले से और दूसरा समाज वाले से लड़ाई होती है, ठीक है? समाज जब तुम बाद में पहुंचते, पहले परिवार वाले हमारा जीना आराम करते हैं, समझे नहीं समझ बात? तो वही बात आपसे मैं कह रहा हूँ कि भैया ये भी लड़ाई है, आपको लड़नी पड़ेगी, मन से लड़नी पड़ेगी, अपने फैमिली वालों से लड़नी पड़ेगी, उनको कंट्रोल करिए ना, अगर वो कंट्रोल हो गया तो फिर दुनिया आपकी मुट्ठी में हो जाएगी, समझे ना समझे? चलिए नेक्स्ट। कुछ लोग दिखावा करते हैं कि वो आपके साथ, समझ आ रहा नहीं आ रहा? और ये बिजनेस में बिल्कुल सही है, ये पहचान करने के लिए मिला है आपको, जितने भी दिखावेबाज लोग हैं, जो आपके रिश्ते में कोई मामा बना है, कोई चाचा बना है, कोई ताया बना है, कोई नाना, कोई फूफा, कोई जीजा, कोई साला, कोई सानी, जो नाम के अपने रिश्ते हैं दिखावे के, सबके मुखौटे अभी उतरेंगे, समझ आ गया? सबके मुखौटे उतरेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरा असल में है कौन, समझ आ रहा है? हम जब भी किसी आदमी के पास बिजनेस लेकर जाते हैं, हम वहां पे बिजनेस नहीं लेकर जाते, समझ आ रहा है? हम
किसी आदमी के पास जाते हैं वो कोई ना कोई हमारा अपना होता है, होता है तो चाचा मामा जीजा हमने क्या कहा है? हमने आप लोगों से यही कहा है 15 लोगों की लिस्ट बनानी, क्या बोला है 15 लोगों की क्या बनानी है लिस्ट बनानी, यही कहा है। और 15 लोगों की लिस्ट में होना कौन चाहिए? अपने होने चाहिए। सर जब ऐसे मिलेंगे, मैं लोगों को देखता हूं कई बार, मैं लोगों को देखता हूं आजकल दिखावा इतना है ना, हाथ मिलाएंगे और गले भी मिलेंगे। अरे मैं कहता हूं मेरे दोस्त, गले मिलना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दिल मिलना इंपॉर्टेंट है। लोगों को मैं देखता हूं पैर छूते, मैं सोचता हूं भैया पैर छूना इंपॉर्टेंट नहीं है, दिल छूना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिल तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं। समझ आ रहा है यार? मैं दिखावे के रिश्तों को देखता हूं। तो ये याद रखो, जब भी हम कहीं जाते हैं हम कितने खुश होकर जाते हैं, भाई मैं कहां जा रहा हूं? भाई अपने मामा के पास। मां मां कितनी मैंने बचपन में सुना था, मामा जो होता है ना उसके साथ क्या आती है, दो मां आती है। मामा अपने भांजे को इतना प्यार करता है जितनी डबल करता है, कि दो मां का प्यार एक मामा अकेले करता है। समझ आया नहीं? दो मां का प्यार, उतना गांधारी ने प्यार नहीं किया था दुर्योधन से जितना किसने किया था शकुन ने किया। पूरे हस्तिनापुर में दुर्योधन का उतना कोई भला नहीं चाहता था जितना शकुन ही चाहता, उसने उसके चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी लगा। समझा नहीं आया? करते हैं, अगर आपके दिल दिमाग में मेरी कोई इज्जत है, मेरे लिए कोई जगह है, तो वो आदमी बिजनेस में आएगा। समझ आया क्या? मैं हकीकत कह रहा हूं मेरे दोस्त, हमने जब बिजनेस किया था ना इसी तरीके से किया था, इसी तरीके से हम लोगों को बिजनेस नहीं दिखाते, हम अपने आप को दिखाते। और आज कल मैं लोगों को देखता हूं कि यार लोगों की रिश्तेदारी नहीं आती, क्या बिजनेस करेंगे हम लोग? अपना मामा नहीं आ रहा, अपना चाचा नहीं आ रहा, जीजा नहीं आ रहा, सास नहीं आ रही, ससुर नहीं आ रहा, सर बेटी दे दिया पैसा नहीं दे रहा, सोचो कैसा ससुर है, वो ससुर का महसूस ज्यादा है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? वो बिजनेस में आ गया,
एक बुआ का बेटा था वो भी बिजनेस में आ गया, सब लोग आए, और जिनके पास पैसा था वो नहीं आए। उन्होंने उसे बहाना बनाया पैसा नहीं, जबकि नौकरी कर रहे हैं, सेव है, सब चीज है, और उस टाइम पे ज्वाइनिंग भी बड़ी कम थी, 7,500 की, उस टाइम की ज्वाइनिंग बहुत कम थी, 7,500 की। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मतलब समय का चक्कर ऐसे घूमता है, सुई 12 से शुरू होती है ए, फिर वापस किधर आती है, उधर आती है ना, ऐसा ही होता है। तो हुआ ये कि 1-2 साल गुजरे, हमारी तरक्की होनी शुरू हुई, तो हमारे पास में गाड़ी आ गई, हमने गाड़ी ली, और उनकी बेटी की शादी हुई, फिर 1 साल के बाद बच्चा हुआ, हॉस्पिटल में थे। अब उस दौर पे 2010 की बात करूं मैं, 9-10 की बात, उस दौर पे क्या होता था, गाड़ी होना आम बात नहीं थी, आज के टाइम में तो गाड़ियां बहुत जगह मिलती है, लेकिन उस टाइम पे नहीं मिलती ना, उस टाइम में इतने ऑटो टैक्सी वगैरह होती थी ज्यादा, और होती थी तो किराया बहुत ज्यादा होता। तो बुआ का फोन मुझे आता है कि भाई कहां पर है, तो हम तो भैया रामपुर में थे, ऑफिस रामपुर था, सब चीज रामपुर था, तो कहने लगी कि डिलीवरी हुई है, तो बच्चे को और मां को उसके ससुराल छोड़ना है। तो मैं, उन्होंने क्या बोला था, और मैंने बोला समय नहीं है, समझ आ रहा नहीं आ रहा, जैसे को तैसा, ये हकीकत बता रहा हूं भाई, स्टेज पे हूं मैं, और मैंने कहा है कि जब भी स्टेज पे हो तो एक ही बात झूठ नहीं बोलता, तो वही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको भी इस चीज को याद रखना है, जो आपके साथ आएगा ना वही आपका अपना है, और बाकी तो बस दिखावे के बात है, समझ आ रहा नहीं आ रहा। अभी जाना है अपनी, जब घर जाओगे लिस्ट बनानी है, फिर से लिस्ट बनानी है, फिर से कटोलना है मामा मौसी चाचा जीजा फूफा साला ताया सब लोगों को, और जाओ सारा सीनियर चौड़ा करके आओ, आप बोल कर आओ। आप लोग सोचते कि भैया सीनियर बोलेगा, अरे वहां सीनियर नहीं बोलता, वहां तेरी वैल्यू बोलती है, आपकी कितनी इज्जत है वो चीज वहां बोलती, समझ आ रहा है भैया। हमारे बोलने से कुछ नहीं होता वहां पे, हम क्या बोले, हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर उसे अपना भांजा प्यारा होगा तो वो पैसा बिना सुने भी देगा, समझ आया नहीं। अगर उसे कोई प्यारा होगा, अपनी साली प्यारी होगी, जीजा प्यारा होगा, फूफा पाया प्यारा होगा, तो बिना सुने भी पैसा देगा। लेकिन सर जब प्यारा ही नहीं है, फिर तो चाहे जितनी मर्जी रामायण मंत्र समझा दो, कुछ होने जाने वाला नहीं है। क्लियर है, समझ आ गया। तो जितने भी दिखावे के लोग हैं वो सारे के सारे के मुखौटे उतर जाएंगे। नेक्स्ट, इतने लोग इस रोग से ग्रसित हैं, बड़ा शर्माते हैं, है ना, कैसे बोलूं मैं, लोग जोड़ने वाली कंपनी में काम करता हूं, शर्माते हो। अच्छा ये वही जोड़ने वाला काम है, वही वाला है ना, लोग ऐसे बोलते बोलते ना, बंदे बनाने वाला काम है, शर्म आती क्या, शर्माना नहीं है भाई, जो शर्माएगा वो अपना जो सपना है वो कभी पूरा नहीं कर पाएगा। ये सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे, लो इसी चक्कर में वो प्लान ही नहीं दिखाता, और कई बार मैंने लोगों को देखा है, मालूम है, अपने लोगों को नहीं दिखाएगा, जो खास रिश्तेदार होते हैं राजेश वहां नहीं लेकर जाएगा, तू अरे यार मेरी साली क्या बिगड़ क्या बिजनेस कर है, मेरे यार मेरे चाचा जी वो तो पसंद ही नहीं करेंगे यार, इसलिए कौन बाहर के लोगों को दिखाता है। अरे सोचने वाली बात क्या है, मैंने बहुत पहले कहीं ये बात सुनी थी कि कोई भी धंधा छोटा बड़ा नहीं होता, सर जब हमारा धंधा आता है यही क्वेश्चन, क्यों भैया ये भाषा चेंज हो जाती है लोगों की, है सुने हो ना, कि कोई भी धंधा छोटा बड़ा नहीं होता, धंधा धंधा होता है, समझा रहा क्या, धंधा धंधा होता है भैया, और धंधा कोई आंख वाला बंदा नहीं कर सकता, कोई भी आंख वाला बंदा धंधा नहीं कर सकता, अगर धंधा करना है तो आपको अंधा बनना पड़ेगा, आंख वाला होता है वो देख के, अरे अच्छा इसे कांटा है, अच्छा इधर चलो,
इधर ही है, ऐसे चलो, वो साला इधर ही रास्ते बदलता रहेगा, समझ आ रहा नहीं आ रहा, वो रास्ता बदलेगा, नहीं नहीं इधर से नहीं उतर के जा रहा, जो अंधा होता ना वो भैया अपनी लाठी लेके टक 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 करके निकल लेता है, समझ आ रहा नहीं आ रहा। तो भैया जो आंख वाले बने हुए हैं ना, इस बिजनेस में आपको अंधे की तरह काम करना पड़ेगा, तभी इस बिजनेस में पैसा अंधा दूध आपके पास आएगा, समझ आ रहा नहीं आ रहा। अगर अंधा दूध पैसा चाहिए तो अंधे की तरह काम करो, धंधा अपने आप निकल कर आएगा मेरे दोस्त। आप लोग बेमतलब बोलते ना कि बिना वजह के टेंशन पाले बैठे हैं कि लोग क्या कहेंगे यार, मैं क्या बिजनेस कर रहा हूँ, लोगों को जोड़ने वाला काम कर रहा हूँ, लोग आने की मना कर देते, कौन अच्छा वो तो नहीं है कंपनी वाला, मार्केटिंग वाला तो नहीं। अरे सड़क आज के टाइम में कौन मार्केटिंग नहीं कर रहा है भाई, बताओ मुझे। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा अगर कहीं है वो मार्केटिंग में ही है, समझ आया क्या? विराट कोहली क्रिकेट से ज्यादा नहीं कमाता, मार्केटिंग से कमाता है, जिसका वो एडवर्टाइजमेंट करता है, समझ आ रहा नहीं आ रहा, समझ आ रहा नहीं समझो। अमिताभ बच्चन फिल्मों से नहीं कमा रहा है, किससे कमा रहा है? मार्केटिंग से कमा रहा है, समझे नहीं समझे बात? और हम लोग मार्केटिंग से कमा रहे, हम लोग मार्केटिंग से कमा रहे। एक बहुत अच्छी वीडियो सर्कुलेट हुई थी, उसमें रोनाल्डो बैठे हुए थे जी, कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मैच जीतने के बाद शायद, तो उनके सामने ना कोक रखी हुई थी, हम पीते ना कोक, पेप्सी पीते नहीं पीते, बड़े शौक से पीते है ना। एक बार क्या हुआ, हम लोग छोटे छोटे थे तो बड़ी मुश्किल से हम लोग होम टाउन आते थे, रामपुर, रामपुर एक होम टाउन है हमारा, रोहित सर और मैं दोनों आए थे छोटे छोटे दसवीं बाद में बढ़ते हम, तो जब रामपुर आए तो हमने वो ये देखी, उस टाइम शीशे की बॉटल आती थी कोक की, शीशे की बॉटल, एक सिपली थोड़ी देर करारा लगा अंदर, कुछ जल टाइप थोड़ा, यार ये बढ़िया चीज, अब पीने वाले में दो है, दस रुपये और खर्च के हमें दूसरी थी, बोले दोनों पीते, बस एक दो घूम के हमने और लिए, उसका जो धुआं नाक से निकला ना, धुआं शुरू शुरू में जो पीता है उसको पता है ना कि धुआं कहाँ से निकलता है, जब डकार आनी शुरू होती है तो धुआं नाक से निकलता है, तो शुरू में हमने शौक शौक से तो दो बोतल ले ली, लेकिन दो घूट के बाद अगर धुआं निकलना शुरू हुआ तो पूरी की पूरी कोक हमने वैसे ही फेंक दी, समझ आ रहा नहीं आ रहा। तो कोक का वैसा सुन रहता है, और कोक बहुत मतलब बिक, कोल्ड ड्रिंक सबसे बड़ा बिकने वाला जो कोल्ड ड्रिंक है आज के टाइम में वो कोक ही। तो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस चली यूट्यूब में, अगर आप होंगे देख लेंगे, आपने रोनाल्डो बैठे हुए हैं, कोक रखी थी तीन चार कोक की बॉटल थी, थोड़ा बच्चा घुमा के आओ बाहर, तो कोक की बॉटल रखी हुई थी जैसे आप पानी की बॉटल है, इधर भाई इधर इधर बच्चा उधर रो रहा है, इधर आपका भविष्य रो रहा है, आपका जो आपके अंदर जो एक बच्चा वो भी तो रो रहा है ना कि यार अभी क्या आ रहा है, छठ पूजा है ना, खूब मेला लगा हुआ है, खूब लोग इंजॉय कर रहे हैं, खूब पैसा खर्च रहे हैं, और बिना पैसों की छठ कैसी होगी मालूम है ना, होती है क्या? कुछ नहीं। तो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, और उसमें क्या होता है ना, तीन चार कोक की बोतल रखी है टेबल पे, तीन चार कोक की क्या थी बोतल, तो रोनाल्डो जी ने क्या किया, तीन चार कोक की बोतल उठा के साइड कर दी और सामने क्या लाया, पानी। बस वो करने की देर थी पूरी दुनिया में कोक को लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया, समझ आ रहा नहीं आ रहा। तो एक चीज याद रखिए, आज के टाइम में सबसे ज्यादा पैसा अगर कहीं है वो कहां पर है, मार्केटिंग करने में, समझ आ गया, मार्केटिंग में सबसे ज्यादा पैसा, एडवर्टाइजमेंट में सबसे ज्यादा पैसा। और हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग क्या कह रहे हैं, हम तो एडवर्टाइजमेंट ही कर रहे हैं, हमारा अपना कुछ लग रहा है क्या? अरे इससे खूबसूरत बिजनेस कहीं नहीं है दुनिया में, जितने भी बिजनेस है सबको देख लो, सारे के सारे बिजनेस जो है वो दिखावे के बिजनेस है, सारे के सारे बिजनेस लोगों ने लाखों करोड़ रुपया लगाया होता है मार्केट में, तब जाके उस चमचमाती दुकान में बैठते आते, समझ आ रहा है? अभी इलेक्शन जो चल रहे हैं हमारे हिमाचल में, तो लोगों ने करोड़ों रुपया दे के टिकट खरीदी होती है,
और हमारी टिकट फ्री में आई है, समझ आ रहा नहीं आ रहा है? हमारी टिकट करोड़पति की कैसे आई है? फ्री में, ऑनलाइन टाइम वाली टिकट, बार बार नहीं खरीदनी पड़ती। तो यही चीज आपको समझने की जरूरत है कि भैया हम लोगों को यहाँ पे इतना खूबसूरत बिजनेस मिला है जिसे असल मायने में कहें कि ना हींग लगे ना फिटकरी, रंग मिले चोखा। तो वो चोखा वाला बिजनेस है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको धोखा समझते हैं दोस्त, तो आपसे बड़ा अपना बोतना की दुश्मन भी कोई और नहीं। समझे समझे बात? तो आज के बाद ये चीज दिमाग में नहीं आनी चाहिए। कौन सी? हिंदी लिखा है यार, सबको पढ़ना नहीं आता क्या? क्या लिखा है? तो आज के बाद ये नहीं आना चाहिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट। बिलीव, बिलीविंग इन योर सेल्फ इज द सीक्रेट टू सक्सेस। और आज की जो ट्रेनिंग भी हमारी वही है ना, क्या है? द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो सीक्रेट ऑफ सक्सेस का मतलब क्या है, क्या कैसे आएगा? विश्वास से। किसके ऊपर? ना पड़ोसी के ऊपर, ना दोस्त, ना भाई के ऊपर, किसके ऊपर? अपने ऊपर। बिलीविंग इन योर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास करोगे, यही सफलता का मूल मंत्र है, उसके अलावा कोई मूल मंत्र नहीं। सारी बातें आपको बेमतलब लगेगी, मैं यहां बोल रहा हूं, सतीश ठाकुर, मनीष, संजय, रोहित सर, जितने भी लोग आएंगे यहां, सब आपको बेमतलब लगेंगे, लेकिन आपको ये बातें तब अच्छी लगेगी जब आपको क्या होगा, खुद पर विश्वास होगा। अगर आपको शिखर तक पहुंचना है तो अपने ऊपर तो भरोसा करना। जब हम बिजनेस में आए थे तो हमारा जो इतना बड़ा नेटवर्क, हम बोलते हैं कि 4 लाख से ज्यादा लोगों का नेटवर्क, तो क्या ये शुरू में था? नहीं, शुरू में क्या था? विश्वास था कि हो सकता है, और आज हुआ। तो वही चीज मैं आपसे कह रहा हूं कि आप भी करोड़पति हो सकते हैं, और कल दिन आप होंगे, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। किस पे? पड़ोसी पे? अपने ऊपर विश्वास करोगे ना? चलिए बात करते हैं। क्या दिखा है? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में, लोग जोड़ी नहीं बना पा रहे, कंफ्यूजन इतनी ज्यादा है, वो अकेले निकले हुए, भटकी हुई आत्माएं। अगर मेरे दोस्त आपको आगे बढ़ना है तो हमेशा तालमेल बैठाकर चलना पड़ेगा, अपलाइन के साथ तालमेल बैठाकर चलना, समझ आ रहा है? जोड़ी बनाकर काम करना है, अपने अपलाइन को पकड़ के निकलना है, बिल्कुल उनकी सोच के साथ अपलाइन को पकड़ के, ये नहीं कि अपलाइन को पकड़ के फील्ड में ले लिया, चलो सर आपको लेके निकलते हैं। भैया जोड़ी बनाने का मतलब है कि अपने अपलाइन जो भी काम करो किसके सुपरविजन में होना चाहिए, किसकी दिशा निर्देश पे होना चाहिए? अपलाइन की। समझाया ना? अपनी मनमर्जी से कोई काम मत करो। मैंने एक बहुत बढ़िया कोटेशन की थी कि अपलाइन से दूरी मतलब सफलता से दूरी। जिसने भी अपलाइन से दूरी बनाई उसने अपनी सफलता से दूरी बना ली। सफलता से एकदम दूर नहीं जाओगे, बस एक बार कुछ मत करो, अपलाइन से दूरी बनाना शुरू कर दो, सफलता अपने आप आपसे दूर चल जाएगी। समझा रहे क्या? तो हमेशा जब बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो हमेशा एक जोड़ी बनाकर काम करो। समझे समझे बात? हम लोग जोड़ी बना नहीं सकते। अरे भैया अगर परिवार भी चलाना हो तो वहां भी तो जोड़ा चाहिए, चाहिए ना? हल चलाते हैं तो वहां भी तो जोड़ा चाहिए। हम अगर चलते हैं तो यहाँ भी तो जोड़ा, एक जी का खरीद रहा क्या हर दिन से जोड़ा ही आता है ना? जोड़ा भैया, जोड़े में चीजें आसान होती है, और हमें जो पैसा मिलता है वो भी किस पे मिलता है? किस पे मिलता है पैसा? जोड़े पे पैसा मिलता है। तो जो जोड़े को समझ गया ना वो घोड़े की तरह दौड़े, समझ आ रहा नहीं आ रहा? और जो जोड़े को नहीं समझेगा वो गधे की तरह बस ढोता ही रहेगा, बोझा ही ढोता रहेगा। समझ आ रहा है यार? तो भैया अगर घोड़े की तरह दौड़ना है तो जोड़े की अहमियत को तो समझना पड़ेगा। कितने लोग आज के बाद इस फॉर्मूले को अपनाएंगे? अपलाइन से टच में, किसके टच में रहना है? सारे लोग भाग जाएंगे, याद रखो।
सारे लोग आ गए, अगल बगल सब निकल लेंगे, नीचे वालों की कोई गारंटी नहीं है। समझ आया नहीं है? नीचे वालों के भरोसे मत रहो। जब महाभारत का युद्ध हुआ था, महाभारत का जब युद्ध हुआ था, अगर किसी को याद है तो, जब वहां पे श्री कृष्ण भगवान के पास कौन कौन गए थे? एक गए दुर्योधन और दूसरा अर्जुन। गए थे ना? यस सर। दुर्योधन ने क्या मांगा? सेना। बोला जी मेरे को चाहिए सेना। लेकिन अर्जुन ने क्या मांगा? इधर ध्यान दो, इधर इधर, ये रोते रहेंगे भाई, इधर रोना धोना सब चालू होता रहेगा। ये दुनिया में ऐसे नहीं चलती। समझ आ रहा है? कभी सीधा संसार मिला है क्या? ऐसे ही जाओगे? हम लोग पता क्या सोचते हैं, ये याद रखना, ये जो अजूबे वाली बात है बोलना मत है। हम लोग पता क्या सोचते हैं, शुरू शुरू में जब मैं जहाज में नहीं बैठा था, हवाई जहाज में जब मैं नहीं बैठा था, तो लगता था यार आसमान तो खुला है, जहाज ऐसे ही उड़ता होगा, सीधा सीधा निकलेगा। लेकिन आज मैं समझ आया कि जहाज भैया सीधे सीधे नहीं उड़ सकता, भले ही आसमान खाली है, नीचे ना दूसरे देशों की सीमाएं आती है, तुमको उड़ना पड़ता है उधर। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अदरवाइज अगर देखोगे ऐसे तो बहुत नजदीक है ना। तो भैया आसमान भले ही खाली है, लेकिन उधर भी जहाज को भी मोड़ मारने पड़ते हैं। समझे कि समझे बात? तो जिंदगी भी वही है, ये रोना धोना सब चालू रहेगा। बस ये क्या होता है मालूम? ये आपको भटकाने के तरीके होते हैं। समझे कि समझे बात? भटकाने के क्या होते हैं? तरीके होते हैं। अब जिसका ध्यान उधर गया वो बंदा गया। समझे नहीं समझे बात? तो ध्यान किधर देना है? इधर चलता रहेगा। आपके आस पड़ोस में सारी चीजें चलेगी, शादी चलेगा, मंडल चलेगा, मरना जीना सब चलेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कि आपको क्या करना है। समझे नहीं समझे बात? तो मैं बात कर रहा था महाभारत वाली कि अर्जुन और दुर्योधन जब दोनों कृष्ण के पास जाते हैं, तो कृष्ण भगवान से दुर्योधन ने मांगी सेना, हजारों लाखों की सेना मांगी कि जितनी भी सेना है सब दे। उसे लगा कि मैं लोगों के दम पे जंग जीत लूंगा। समझे समझे बात? उसे लगा कि लोग आएंगे तो मैं जंग जीत लूंगा। लेकिन दूसरी तरफ कौन था? अर्जुन। अर्जुन ने क्या मांगा? कृष्ण भगवान। उन्होंने बोला लोग नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। समझ आया? उसने श्री कृष्ण भगवान को मांगा। और युद्ध का क्या परिणाम हुआ आपको मालूम है ना? मालूम है ना? कौन जीता कौन हारा मालूम है ना? तो कौन जीत सकता है? जिसके साथ उसका अपलाइन खड़ा है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अगर आपके साथ आपका अपलाइन खड़ा है तो जीत आपकी है। नीचे वालों के भरोसे मत बैठो। नीचे वाले नीचे नीचे से कब निकल जाएंगे ना पता भी नहीं चलेगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो ऊपर वाले को क्या करना है? पकड़ के रखना है। जो ऊपर वाले को पकड़ेगा ना वो ऊपर ऊपर जाएगा। समझ आया नहीं? जो ऊपर वाले को नहीं पकड़ेगा ना वो नीचे नीचे जाएगा। समझे नहीं समझे बात? तो भैया समझो, वैल्यू समझो, जोड़ी बनाकर आज के बाद काम करना है। कितने भी मन मिटाओ, क्लेश द्वेष अगर होंगे अपलाइन से, मुझे पता है अपलाइन बुरा होता है, मुझे पता है। मुझे भी लगता था मेरे पिताजी बहुत बुरे इंसान है जब वो पैसे नहीं देते थे, लेकिन आज समझ आता था वो क्यों नहीं देते। आज पता लगा कि भाई अगर उन्होंने पैसे दिए होते तो शायद मैं कहीं बुरी आदतों में फंस जाता। समझ आया नहीं? माँ बाप अपने बच्चों को खूब कूटते हैं, खूब मारते हैं, पीटते हैं, लेकिन किस लिए? अच्छे काम, ताकि वो अच्छे बने। समझ आ रहा नहीं? तो अपलाइन से अगर आप सोचोगे कि ये आपसे दो पैर शेयर कर लेगा तो अच्छा अपलाइन है, बोतल का ढक्कन खोलेगा। अरे भैया अपलाइन बोतल का ढक्कन खोलने के लिए नहीं है, अपलाइन आया है तेरे दिमाग के ढक्कन खोलने के लिए और तुझे राइस बनाने के लिए आया। कुछ भी हो जाए अपलाइन से दूरी नहीं बनानी है, ठीक है? क्लेश द्वेष सब छोड़ देना है, ठीक है? क्या करना है? अब जोड़ी बनाकर काम करना है। भैया बीवी साथ छोड़ सकते, अपलाइन भी छोड़ सकते,
समझ आ रहा नहीं आ रहा? बीवी साथ छोड़ सकती है, अपलाइन साथ नहीं छोड़ सकता। पति साथ छोड़ सकता है, लेकिन अपलाइन साथ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये बंधन दुनिया का सबसे पवित्र और सबसे अटूट बंधन है। कौन सा? अपलाइन और डाउनलाइन का बंधन। तो इस बंधन को समझना है, समझोगे? चलिए ताली हो जाए थोड़ी सी। अभी जब क्षण खत्म होगा तो बस सबने जोड़ीदार को पकड़ना है, ठीक है? छोड़ना नहीं है ना, क्योंकि भैया देखो अपलाइन के साथ तालमेल बैठाओगे तो चीजें आसान होगी, सफलता लेना आसान होगा। समझे बात?